वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो आज मैं आप लोगों को नए विश्वनाथ मंदिर पे लेके आया हूँ, BHU कैंपस के अंदर। आप लोग देख ही रहे हैं, मैं वहीं पे खड़ा हूँ। आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ के एंट्रेंस, और एंट्रेंस पे ही मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा बनाई गई है। बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा है और ये बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थल है। बाकी विश्वनाथ जी का मंदिर बनाया ही गया है अंदर, शंकर जी का मंदिर। तो चलिए आप लोगों को दर्शन कराते हैं शंकर जी का, बाकी यहाँ का जा रहे हैं। आप लोगों को शंकर जी का दर्शन कराते हैं। ये काशी विश्वनाथ का नया विश्वनाथ मंदिर है, पूरा देख ही रहे हो कितना बड़ा मंदिर है। बाकी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाई है, वो नया बनाया गया है, उसका वीडियो आप मेरे ब्लॉग में आप देखेंगे। है आपको दिखाते हैं फ्रंट बैक कैमरे। विश्वनाथ जी के दर्शन किए हैं आप लोग। ये BHU कैंपस के ही अंदर है गाइस, और आपको बजरंगबली का दर्शन करा दूँ। दर्शन कर लिया है अंदर से, आप लोग भी दर्शन कर ही चुके हैं, बाहर चल रहे हैं। आपको कैंपस दिखा दें, बहुत बड़ा अच्छा कैंपस बनाया गया है यहाँ का, बड़े में मंदिर बनाया गया गाइस। आप लोग देख ही रहे हो, और मैं काफ़ी दिन बाद ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। और मैं आप लोग पिछला ब्लॉग जो देखे होगे उसमें देखोगे मैं उत्तराखंड गया था नैनीताल, वहाँ पे मैंने वीडियो बनाया। उसके बाद मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी और मैंने कई वीडियो बनाया था गाइस, तो मेरे डाटा बैकअप में पता नहीं स्टोरेज ही नहीं था, जिसके कारण मैं ब्लॉग नहीं डाल पाया। आज मैं अपने घर से यहाँ पर आया हूँ, तो आप लोगों के लिए ब्लॉग शूट कर रहा हूँ गाइस। देखिए कितना बढ़िया नज़ारा है यहाँ का। बाकी मैं आपको और सिनेमेटिक चीज़ें, पीछे का कैंपस है गाइस, और मैं मंदिर के पीछे हूँ अभी। फ्रंट पे आप लोगों ने देखा ही, ये आपको टूर करा रहे हैं पूरे मंदिर का चारों बगल से। देखिए काफी लोग आते हैं यहाँ पे गाइस, देख ही रहे हैं काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, बहुत सारे लोग घूमने आते हैं। ये भी थोड़ा कोरोना काल के वजह से, अभी कोरोना हटा ही है तो थोड़ा यहाँ पे पाबंदी है, अंदर उतना कैमरा यूज नहीं करने दे रहे हैं, तो जिसके कारण मैं उतना अंदर दिखा नहीं पाया। बाकी कैंपस का थोड़ा सिनेमेटिक चीज़ आप लोग देखिए गाइस। विश्वनाथ जी घूम के कैसा लगा गाइस बताइएगा। अब हम यहाँ से चल रहे हैं घर को। बाकी देखिए यहाँ सब लोग घूम ही रहे हैं। बाकी का आप लोगों को भी अगर यहाँ पे घूमना आना हो तो आ सकते हो। ये सुबह से खुल जाता है, शाम तक खुला रहता है। बाकी बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है। अब हम चल रहे हैं अपने घर को। तो ठीक है गाइस, इस ब्लॉग को अब हम यहीं पर एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसे ही। तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।